जय मां लक्ष्मी की। स्वागत है दोस्तों गुलशन एजुकेशन टिप्स चैनल में। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं और एक समझदार व्यक्ति बनना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे आपको भगवान से जुड़ी हुई सभी बातों का ज्ञान कराया जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त कमेंट में जरूर लिखिए जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी, ताकि इस दीपावली माँ लक्ष्मी के आप पर कृपा बरसती रहे। दोस्तों माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दीपावली की रात आप किस तरह से झाड़ू की मदद से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं दिवाली की रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको क्या वह एक चीज रखनी है जिससे माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों झाड़ू हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से दूसरों से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ शगुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदे, कब झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा कर रख दे रात को सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाएं, चलिए जानते हैं इसके बारे में। जो है वह महालक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम खास बात करेंगे दोस्तों के झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखें तो घर के गरीबी दरिद्रता क्लेश सब खत्म हो जाएंगे, घर में मां लक्ष्मी जी का वास भी होगा और बीमारियों भी दूर होगा। दोस्तों शीतला माता भी अपने हाथ में एक झाड़ू लिए रहती है, इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना प्रयोग करें। दोस्तों वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगना चाहिए, लेकिन खास धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन तो यह गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती है और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद दोस्तों झाड़ू तो क्या पोंछा भी नहीं लगना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाए, कूड़ा कचरा को इस समय पर जाकर बाहर नहीं फेंके। इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताने वाली हूं वह झाड़ू के नीचे दबा करके रख दें। और अगर इस धनतेरस आप ऐसा ना कर पाए दोस्तों तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात तो आप यह उपाय जरूर करें, फिर देखिए कैसे लाभ होता है। जीवन में आप माने या ना माने ध्यान रखें कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं करना चाहिए। दोस्तों गुलशन एजुकेशन टिप्स एक चैनल नहीं है, बल्कि आप सब हमारे परिवार की एक हिस्से हैं, तो आपको मैं जो जानकारी बताऊंगा सही ही बताऊंगा। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे बाद में आप घर से बाहर फेंक दें या डस्टबिन में फेंक दें। और दोस्तों वैसे तो मैंने आपको जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो कपड़ा लेकर साफ कर सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट लें और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें। इस कचरे को रात तक के समय ही बाहर फेंकने की गलती ना करें और सुबह होने के बाद ही आप इस कचरे को घर से बाहर कर दें। दोस्तों घर में जो आपको धन आता है उसका आगमन रुक जाएगा, उस पर प्रभाव पड़ता है, आर्थिक परेशानी से आपको गुजरना पड़े, इसके लिए कचरा को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। इसकी कोई निश्चित जगह बनाई और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी की भी आने जाने वाली की नजर ना पड़े। दोस्तों सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता, कहा जाता है कि अगर अपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको या तो तुलसी माँ को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए ताकि इसका बुरा प्रभाव टल जाए। लेकिन आपको एक बात बता दे दोस्तों कि धनतेरस दीपावली की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे तो आप घबराइए मत, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। दोस्तों आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, आप कृपया अपनी राशि हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। एक बार किसी को हमने एक उपाय बताया था,
आज वह बहुत बड़ा धनवान है, तो आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। अगर राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, माना जाता है कि अगर आपको धनतेरस या दीपावली की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। चलिए अब आपको बता दें कि झाड़ू घर से बाहर निकलने का सही समय क्या है। तो दोस्तों, दीपावली और धनतेरस से अच्छा समय तो कोई भी नहीं है। मान लीजिए अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए तो आप यह गलती ना करें दोस्तों, क्योंकि दीपावली धनतेरस का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़कर के नया झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। धनतेरस के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है, और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने धनतेरस के दिन यह काम नहीं किया है तो आप चुक गए हैं, तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात से पहले पहले आप अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर करते, घर में गंगा जल का छिड़काव करके स्वच्छ कर ले, धो कर लें दोस्तों, और उसके बाद इसे माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इसे सर की नेगेटिविटी माँ लक्ष्मी दूर करेगी। यह काम तो आपको दिवाली की रात जरूर ही करना है। किसी भी गरीब के घर जाइए और किसी गरीब के घर एक दीपक जला दें। दिवाली के दिन किसी गरीब को अपने समर्थ अनुसार कपड़े धन मिठाई देकर के उनकी सहायता करें। ऐसा करने पर शनि दोष राहु केतु हो, कोई भी ग्रह हो, उनके दोष दूर हो जाते हैं और कार्यों में आ रही बढ़ाएं भी दूर हो जाती है। दीपावली के दिन अगर आप मां लक्ष्मी गणेश के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी का भी पूजन करते हैं तो यह अति शुभ होता है। दोस्तों, दिवाली की रात को आपको देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का 5 या 11 बार या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी माता को कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन कमल घट्टे घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर आप अगर धनतेरस के दिन कमल घट्टे घर में ले आए हैं तो इस दिन आप मां लक्ष्मी को अर्पित करें। हत्था जोड़ी हुई, दक्षिणावर्ती शंख हुआ, गोमती चक्र हुआ, पीली कोरिया हुई शक्ति का श्री यंत्र, हल्दी की गांठे हुई, धनिया के बीज हुए, कोई भी चीज आपको जरूर रखनी चाहिए। इनमें से अगर यह मुहूर्त आप मिस कर जाते हैं, यानी दिवाली की रात आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आप 9 नवंबर को लाभ पंचमी आएगी, उस दिन भी सुबह 6 हवन से सुबह के 10 और 8 तक आप यह काम कर सकते हैं या नहीं। इस मुहूर्त में माता रानी के चरणों में इनमें से कोई भी एक चीज आप अर्पण कर सकते हैं। ये खास काम जो मैं आपको बताने वाली हूँ आपको दीपावली की रात को करना है। आपको 4 काली मिर्च लेनी है और दीपावली की रात पूजन के बाद या पूजन से पहले या किसी भी समय कर सकते हैं। करना आपको रात के समय आपको चौराहे पर जाना है और 4 काली मिर्च के दाने लेकर जाना है और चारों दिशाओं में एक दाना आसमान की तरफ फेंकिए दोस्तों, और उसके बाद आप बोलिए दरिद्रता घर से बाहर जाए और लक्ष्मी माँ घर में आए और आपको अपने घर लौट जाना है। दोस्तों, इस आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी।